ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको वैशाख मास महात्म के 20वें दिन की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्रवण करेंगे वैशाख स्नान से पांच प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्त्रोत का वर्णन। अम्बरीश ने कहा, मुनि जिसके चिंतन मंत्र से पाप राशि का लय हो जाता है उस पाप प्रशमन नामक स्त्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस सौ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य पवित्र मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महीपाल मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म की चर्चा चल रही है यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षिप्त से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने पांच प्रेतों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आई? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है? विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे उसी समय उपयुक्त पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजवर आप कृपा करके हमारे कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवान है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए सिका सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें।
इस दशा में पड़े पड़े मुझे एक वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है, तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं, इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं, इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी ना सिका है ना सूत्र, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन ये भी बड़े कष्ट में हैं, ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहबस वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनके स्त्री ने, बंधु बांधव ने तथा गांव के सब लोगों ने वहाँ से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे मास से जाति के वैश्य हैं, इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्य हो गई थी। इन्होंने मोहबस 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा है तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं ये भी वैसे ही हैं, इनका नाम मंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है, तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवत यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। अब हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं, अनेकों तीर्थों में घूम आए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उदीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुषों के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं, आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। इसी के साथ वैशाख मास महत्तम के 20वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोलो वैशाख मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।